सैन समाज विकास संस्था उदयपुर प्रतिवर्ष संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ 5 दिवसीय कार्यक्रमों के साथ मनाती आ रही है, जिसमें खेलकूद प्रतियोगिता होती है, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, रैली होती है, शोभा यात्रा होती है और सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है और एक सामूहिक भोज का आयोजन भी होता है। परंतु इस वर्ष सेन जी महाराज की जो जयंती है 19 अप्रैल के दिन है, उस दिन रविवार है और सरकार की ओर से लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से, उसको ध्यान में रखते हुए मैं सेन समाज के सभी बंधुओं से ये निवेदन करता हूँ कि आप सेन जयंती को हर्षोल्लास के साथ अपने घर पर ही मनाएं, सेन जी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण करें, दीप करें, अगरबत्ती करें और संध्या के समय आरती, जब संध्या आरती का समय होता है, अपने छत पर जाकर परिवार सहित 5 दीपक जलाकर हर्षोल्लास के साथ सेन जी महाराज ने जो सत्य, अहिंसा और प्रेम का जो संदेश दिया है उसको अंगीकार करते हुए इस जयंती को अगर हम मनाएंगे तो ये जयंती हमारे लिए बहुत लाभदायक भी रहेगी और उनके प्रति हमारी एक निष्ठा भाव भी बनी रहेगी। मैं सभी से एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि सेन जी महाराज की जयंती को घर पर श्रद्धा भाव के साथ आनंद पूर्वक मनाएं। आप सभी को जैसा विदित है कि इस वर्ष 19 अप्रैल 2020 को सेन जी महाराज की जन्मोत्सव है, तो आप सभी से यह निवेदन है कि जैसा प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन रखा गया है उदयपुर में, तो उसकी वजह से हमारी सारी कार्यकारिणी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें तीनों संगठन सम्मिलित थे। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने यह सुनिश्चित किया है कि इस वर्ष होने वाले सभी सेन जयंती के सारे प्रोग्राम स्थगित किए जाते हैं, आगामी जो भी प्रशासन के आदेश होंगे उसके बाद ही किसी भी तरह की बैठक मीटिंग हम रखेंगे। आप सभी अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पर एक कार्य ज़रूर करें कि सेन जी महाराज की जो जन्मोत्सव है हम घर से ही मनाएं, घर पे संध्या के समय आरती करें, दीपक लगाएं और खुशियां घर से ही मनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। सेन जी वो व्यक्ति हैं जिनसे सेन समाज को पहचाना जाता है। सेन जी ने ऐसे काम किए हैं का आज हम उनको याद करते हैं और उन्होंने सामाजिक उद्धार के लिए काम किए हैं। वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, सेन जी बहुत ही अच्छे हेयरड्रेसर थे और सेन जी बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे। उनकी पहचान थी उस वक्त के कवि और साहित्यकारों के अंदर। राजा ने भी उनको सम्मान दिया और सम्मान देने का मुख्य कारण था जिस राजा को बीमारियाँ थी तो उनकी सेवा करके, उनके चर्म रोग को ख़त्म करके, उनकी कोढ़ को ख़त्म करके सेन जी एज बहुत ही अच्छे डॉक्टर साबित हुए थे। वो बहुत ही अच्छे हेयरड्रेसर साबित हुए थे, इसलिए हम आज सेन जी को याद करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। इसी अवसर पर मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे देश में, हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों के खिलाफ़ हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम शादी ब्याह में ज़्यादा खर्च न करें, मृत्यु भोज न करें, पैरावनी जैसे कार्यक्रम नहीं करें, शमशान में जाकर मुंडन नहीं करें, यदि मुंडन करना है तो उसके घर जाकर या अपने सैलून पर करें, क्योंकि इससे हमारी समाज की रेपुटेशन ख़राब होती है। क्योंकि आज वो समय नहीं है कि हम किसके शमशान में जाकर इस तरह की हेयरड्रेसिंग करें। तो मेरी आप सभी से, समाज के सभी बंधुओं से जो हेयरड्रेसिंग करते हैं उनसे निवेदन है कि इस तरह का काम न करें। कुरीतियों के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, समाज को बदलना चाहिए। दुनिया बहुत आगे जा रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और आज हमारे समाज में हेयरड्रेसिंग की बहुत ही बड़ी इज्जत है, रेस्पेक्ट है। आज हमारे अभिभावक बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और ये बनाने के साथ साथ हेयरड्रेसर बनाना पसंद करते हैं। तो मुझे खुशी है कि मैं सेंचोर कलाकार मंडल में काम करता हूँ और आज हेयरड्रेसर्स का बहुत ही सम्मान है और वो अपना इस व्यवसाय को, बहुत ही उन लोगों ने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाकर बहुत ही सम्मान दिलाया है। मैं आप तमाम समाज के लोगों को बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ और पूरा समाज आगे बढ़े यही शुभकामनाएं करता हूँ। और सेन जयंती की पुनः आप सभी को बधाई। आप बहुत ही खुश रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। All the best. Thank you.